हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिपाली गिद्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। सो जीएसटी फाइनली आ गया है और आई एक्सपेक्ट कि हम सब लोग रेडी हैं। कुछ लोग थोड़े से रेडी नहीं हैं तो हो जाएंगे, अभी तक टेंशन की ज़रूरत भी नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि मेरे प्रोडक्ट पे टैक्स रेट क्या अप्लाई होने वाली है या मेरी सर्विसेज पे टैक्स रेट क्या अप्लाई होने वाली है। आज मैं उसमें आपको गाइड करूँगी। मैं सारे टैक्स रेट नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स की टैक्स रेट हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये गाइड करूंगी कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स पे अपनी सर्विसेज की टैक्स रेट देखनी है तो आपको क्या रेफर करना है, कहाँ से आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको ये जज करना है कि मेरा जो आउटपुट है वो सर्विस है या गुड्स है। अब सर्विसेज और गुड्स का झगड़ा बहुत पुराना है, तो सर्विसेज गवर्नमेंट ने कुछ आइटम्स को फिक्स भी कर दिया है। मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सर्विस और गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप एक मकान को सेल कर देते हैं तो वो गुड्स है जब आपने उसको सेल कर दिया, लेकिन अगर उसी को आप रेंट पे देते हैं तो वो सर्विस है, यानी कि जब मैंने यूज करने दिया तो वो सर्विस हो गई। जब उस पूरी चीज को आपने सेल कर दिया तो वो गुड्स हो गई। ऐसे ही लेट सपोज आपकी फोटोकॉपियर मशीन है, अब आप फोटोकॉपी मशीन बेचते हो तो वो गुड्स है, लेकिन आप फोटोकॉपी करके देते हो तो वो सर्विस है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि मेरे लिए क्या गुड्स है और क्या सर्विसेज हैं। एक बार आप इसको जज कर लोगे, क्योंकि सर्विसेज के टैक्स रेट अलग हैं और गुड्स के टैक्स रेट्स अलग हैं जीएसटी में। सर्विसेज के टैक्स रेट के लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें 36 आइटम के उन्होंने स्पेसिफिक टैक्स रेट दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने एक एग्जेम्पशन लिस्ट दी है, 83 आइटम्स एग्जेम्पशन ने कवर किए हैं। उसमें जैसे आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हैं, मतलब जो जो आपकी एग्जेम्प्टेड होंगी उन सबकी एक लिस्ट दी है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं तो वो हम एक बार चेक करना है कि कहीं मेरी एक्टिविटी वहाँ पे फॉल तो नहीं करती है, ठीक है। थर्ड फिर आपको क्या करना है, थर्ड मुझे ये करना है कि अच्छा मेरी सर्विसेज हो गई तो आपको सर्विसेज का पता चल गया, या तो 36 आइटम में है, एग्जेम्पशन में है, कहीं पे नहीं है, तो आपको 18% टैक्स चार्ज करना है। फ्लैट रेट 18% है। 18% जब मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब 9% आपका CGST, 9% SGST। देन सर्विसेज के बाद नेक्स्ट गुड्स। गुड्स की लिस्ट सबसे लंबी है, तो अभी जब CBEC ने नोटिफाई किया, देखो अब तक जो हमारे पास लिस्ट थी वो सिर्फ टेंटेटिव थी, ठीक है। अभी CBEC ने फाइनली नोटिफाई करना शुरू किया है सारी चीज़ों को, तो अब वो एक लीगल फ्रेमवर्क में आ गई है। तो CBEC ने जो टैक्स रेट की लिस्ट है आपके गुड्स पे उनको नोटिफाई किया है, तो उन्होंने उसको कुल मिला के 6 रेट्स में डिवाइड किया है। मतलब सारी लिस्ट को उन्होंने 6 अलग अलग शेड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, हर शेड्यूल अलग अलग टैक्स रेट की है। सिमिलर टैक्स रेट आपकी SGST की भी लगेगी और एक IGST की भी अलग लिस्ट है, लेकिन मुझे सारी देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप CGST देखोगे तो उतने ही आपका SGST भी लग जाएगा और साथ में IGST, उन दोनों का सम टोटल होगा। तो CGST की जो टैक्स रेट लिस्ट है उसमें कुल मिला के मैंने आपको बताया 6 शेड्यूल है। सबसे पहली शेड्यूल है उसमें 2.5% वाली, यानी कि जिसमें 2.5% टैक्स लगेगा। लगभग 700-800 आइटम आई थिंक उसमें कवर किए गए हैं, टोटल 250 आइटम है, और फिर दो लिस्ट उसमें अलग से शेड्यूल्स दी गई हैं अपेंड करके, अपेंडिक्स। तो पहली हमारी शेड्यूल है वो 2.5% आइटम वाली है। उसमें जो मेन आइटम्स हैं मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हेडिंग्स उसमें कवर किए गए हैं। HSN कोड में जो आपका चैप्टर हेडिंग नंबर 3 है, 3 उसमें कवर्ड है, 4 कवर्ड है, 5 कवर्ड है, 7 कवर्ड है, 8 कवर्ड है, देन 100, 110, क्योंकि आपको 1.5 करोड़ तक, आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 1.5 करोड़ तक तो आपको कोई HSN कोड देना ही नहीं है। 1.5 करोड़ के ऊपर आपको HSN कोड सिर्फ 2 डिजिट तक देना है, तो आप शुरू के 2 डिजिट भी देंगे तो चल जाएगा 5 करोड़ तक। 5 करोड़ के ऊपर फिर आपको फर्दर 4 डिजिट देनी होंगी, तो ये आपके यहाँ पे 12 नंबर, 15 नंबर, तो आप चाहो तो टोटल भी देख सकते हो, 18, 23, ये आपके सारे के सारे जो है वो शेड्यूल 1 के अंदर गवर्नमेंट ने कवर किए हैं। तो यानी कि उन सब हेडिंग्स पे जो आपकी टैक्स रेट लगेगी वो टैक्स रेट हमारी लगेगी 2.5% CGST एंड 2.5% SGST, यानी कि 5% उस पर टैक्स लगेगा। जो अगली लिस्ट उन्होंने नोटिफाई किया शेड्यूल 2, वो शेड्यूल 2 है 6%, यानी कि 6% CGST एंड 6% SGST। तो शेड्यूल 2 के अंदर उन्होंने किस किस तरीके के आइटम्स को कवर करने की कोशिश की है। एक्चुअली HSN कोर्स में इशू ये आता है कि कई बार एक डिस्क्रिप्शन 2 गुड्स पे भी अप्लाई हो जाता है, और कई बार 2 डिस्क्रिप्शन 1 सिंगल टैरिफ पे भी अप्लाई हो जाते हैं। सो समटाइम दोज काइंड ऑफ इशूज यहाँ पे होते हैं, बट स्टिल आई थिंक टैक्स रेट वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया तो आपके लिए अब थोड़ा सा ये आसान रहेगा। तो शेड्यूल 2 के अंदर उन्होंने आपका जो 20 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, 15 चैप्टर, उस तरह के चैप्टर्स उन्होंने कवर किए हैं मेनली।
6% की टैक्स रेट, जैसे आपकी मीट्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, आपके पिग फैट, इट्स अ ह्यूज, काफ़ी लंबी लिस्ट है, नमकीन्स हैं, भुजिया हैं, बीवरेजेस हैं, मिल्क है, मार्बल है, आयोडीन है, मेडिसिनल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो देर आर सो मेनी आइटम्स। इसलिए मैंने कहा कि मैं सारे टैक्स रेट आपको नहीं बता सकती, लेकिन आपको ये बता सकती हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। तो आपको फिर शेड्यूल टू है आपकी, जहाँ पे आपके 6% वाले, 6% CGST, 6% SGST, मतलब 12% वाले आइटम। उसके बाद आपकी शेड्यूल थ्री है जिसपे कि 9% की टैक्स रेट है। तो जो हमारी शेड्यूल थ्री है उस पर गवर्नमेंट ने 9% टैक्स रेट रखी है। तो 9% अगेन, 9% का मतलब क्या हो गया, 9% CGST है, 9% SGST। और अगर आप IGST लेवी कर रहे होंगे तो आपका IGST टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 18%, यानी कि वो 18% वाले उसके अंदर फॉल करेंगे। इसमें जो उन्होंने मेन हेडिंग्स कवर किए हैं वो आपका 17 है, 402 है, तो इसमें आपके जो चैप्टर्स उन्होंने कवर किए हैं 14 है, 15 के कुछ आइटम है, 17 है, 19 है, जैसे आपके बुरा बताशा, अदर देन बुरा बताशा, शुगर कन्फेक्शनरीज हैं, हनी है, कैरमल है, कॉर्नफ्लेक्स हैं, आपके करी पेस्ट है, मियोनीज हैं, सैलड्स हैं, सूप्स हैं, तो वो सब सिर्फ टाइप ऑफ आइटम कुछ मैं आपको दे, पेट्रोलियम जेली हैं, पैराफिन वैक्स है, मिनरल केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, तो वो सब के सब आपके यहाँ पे कवर किए गए हैं, यानी कि 18% की टैक्स रेट में। नेक्स्ट आपकी जो लिस्ट है वो है शेड्यूल फोर, शेड्यूल फोर 14%, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट की है, 14% प्लस 14% 28% इस पर आपको टैक्स लगेगा, जो हमारी शेड्यूल फोर है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स रेट आपको शेड्यूल फोर में ही लग रहा है, और शेड्यूल फोर में जिस तरीके के आइटम्स को गवर्नमेंट ने कवर किया है, अब ये देखना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि शेड्यूल फोर पे हाईएस्ट टैक्स रेट है। चैप्टर नंबर 17-18, मोलेसिस, च्यूइंगम, कोकोआ बटर, फैट ऑयल, चॉकलेट्स, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट्स, वेफल्स, देन कॉफ़ी, फूड प्रिपरेशंस जो और कहीं कवर्ड नहीं है, पान मसाला, आपके ल्यूब्रिकेटिंग प्रिपरेशंस, पॉलिशेस, क्रीम, फुटवेयर, फर्नीचर, फ्लोर्स, स्कॉचवर्क, मॉडलिंग पेस्ट, फायरवर्क्स, इस तरीके के आइटम हैं जो यहाँ पे उन्होंने मेनली कवर किए हैं। आपका हेडिंग नंबर 39, 40, 42, 43, 44, उसके कुछ आइटम्स, वुडन फ्रेम्स फॉर पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, बिल्डर्स, ज्वाइंट्री, कारपेंट्री ऑफ वुड, इस तरीके के आइटम्स हैं, वॉलपेपर, वो सब उन्होंने यहाँ कवर किए हैं। पहले एक बार आपको इस लिस्ट को देखना और एक बार चेक करना है कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे होगा तो उस पर 14 यानी 28% आपका टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रेट लिस्ट है वो सबसे छोटी वाली है, मतलब शेड्यूल फाइव है जिसपे आपको सिर्फ 1.5% टैक्स लग रहा है। तो शेड्यूल फाइव हमारी सिर्फ 1.5% टैक्स वाली है। तो अब एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन से वो लकी लोग हैं जिनपे सबसे कम गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। 1.5% यानी कि 3% जिन पे टैक्स लगेगा वो कौन सी गुड्स हैं, इसमें हेडिंग नंबर 7101020304, यानी कि 7101 से लेके 710718, यानी कि 7118 तक उसको उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है। इसमें सब टाइप की ज्वेलरीज हैं, आपकी इमिटेशन ज्वेलरीज, कोइन, बेस मेटल प्लेटिनम, बेस मेटल सिल्वर, जो गोल्ड चढ़ी हुई है, नहीं चढ़ी हुई, डस्ट या पाउडर, आपके प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, पर्ल्स, नेचुरल और कल्चर्ड, यानी कि आपके जो हीरे मोती महंगी चीज़ें हैं, डायमंड्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो सारे के सारे इस वाली एंट्री के अंदर कवर किए गए हैं। तो यानी कि जितने भी आपके ज्वेलरी आइटम हैं, मतलब ज्वेलर्स के पास जो बिकने वाले आइटम हैं उन सब पे, यानी कि टैक्स रेट हमारा गोल्ड है, तो गोल्ड पे, ज्वेलरी पे, स्टोन्स पे, उन सब पे 1.5% यानी कि 3% टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, ऑल दो उन्होंने पहले भी क्लियर किया था। फिर उसके बाद एक शेड्यूल सिक्स है जो कि हमारी लास्ट शेड्यूल है इस पूरी सीरीज की। शेड्यूल सिक्स के अंदर 0.125% टैक्स है, 0.125 मतलब 0.125%, यानी कि 1/8%, यानी कि 1% का भी 1/8 हिस्सा, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब ये भी लकी लोग हैं। डायमंड्स, नॉन इंडस्ट्रियल, अनवर्क, सिंपली सोन, क्लीव्ड और ब्रूटेड, तो यानी कि नॉन इंडस्ट्रियल अनवर्क जो डायमंड्स हैं वो यहाँ पे हैं, कुछ अलग टाइप के प्रेशियस स्टोन से, यानी कि जो पुरानी एंट्रीज में कवर्ड नहीं हुए थे, और कुछ सिंथेटिक प्रेशियस और सेमी प्रेशियस अनवर्कड रफली शेप्ड इसमें स्टोन्स हैं, तो उस टाइप की इसमें भी आइटम्स कवर किए गए हैं। 0.125 यानी कि इस पर कुल मिला के 0.25% टैक्स लगेगा।
तो ये मेरी पहले सबसे पहले 6 लिस्ट है, तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि 6 शेड्यूल है। तो अब आपको अपने प्रोडक्ट का टैक्स रेट देखना है, तो आप पहले 6 शेड्यूल्स अपने पास रखें। ये सारी की सारी शेड्यूल हमारी वेबसाइट www.consultees.com पे हमने रिसोर्सेज में अपलोड की हुई है, सारी की सारी लिस्ट, ठीक है। तो वो सारी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो पहले आप इस लिस्ट में जाके एक बार अपना आइटम चेक करो कि वो इनमें से कौन सी वाली लिस्ट के अंदर फॉल कर रहा है, तो वो इन्हीं में से किसी ना किसी में होगा। साथ ही जो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है HSN कोड की, उसके कुछ रूल्स भी हैं, तो वो रूल्स भी हमें एक बार देखने होंगे। ये हमें जो चेक करनी है अपनी एंट्री, वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेक करनी है। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको आपके प्रोडक्ट का टैक्स रेट किस तरीके से सर्च करना है GST के अंदर। तो आपके प्रोडक्ट का टैक्स रेट इन्हीं 6 में से किसी ना किसी एक लिस्ट के अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। तो एक वन टाइम एक्टिविटी है, और मैं यहाँ पे ये जरूर सजेस्ट करूँगी कि जो लोग कंसल्टेंट्स हैं, CAs भी हैं, प्लीज़ अगर कोई आपको सीधे फ़ोन करके पूछता है कि मेरे प्रोडक्ट का टैक्स रेट क्या है, तो आप उनको बहुत जल्दी आंसर नहीं करें, क्योंकि हर प्रोडक्ट के पीछे उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो अनलेस एंड अनटिल आप उनके HSN के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप उसके डिस्क्रिप्शन को अप्लाई ना करें, तब तक आप नहीं बताएं, क्योंकि वो गलत आपका आंसर हो सकता है। तो उसको, क्योंकि मुझे खुद बहुत सारे कई बार कॉल्स आते हैं, लोग डायरेक्टली पूछते हैं कि इस पे टैक्स रेट क्या होगा, तो प्लीज़ आप उसको पहले ध्यान से देखें, उसको ड्यू प्रॉपर केयर एंड टाइम देने के बाद ही आंसर करें, और उसके बाद ही आप टैक्स रेट अप्लाई करवाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू आवर चैनल। थैंक्स अगेन।